आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद कश्मीर घाटी में हिंसा और अशांति का माहौल कायम है। ऐसे में जलते कश्मीर को संभालने के लिए 12 साल बाद घाटी के भीतरी इलाकों में बीएसएफ को तैनात किया गया है। घाटी में हिंसक झड़पों का सिलसिला है जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ जहां बड़गाम, अनंतनाग और शोपिया, सोपोर में पथराव की घटनाएं हुई हैं, तो वहीं अब केंद्र सरकार ने कश्मीर में शांति बहाली के लिए बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल के 2600 जवानों की तैनाती कर दी है। 2004 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि घाटी के भीतरी इलाकों में बीएसएफ की तैनाती की गई है। श्रीनगर के लाल चौक सहित घाटी के कई इलाकों में बीएसएफ ने मोर्चा संभाल लिया है। हालात इतने गंभीर हैं कि पिछले 1.5 महीने से किसी भी मंत्री, विधायक या अन्य बड़े नेता ने कोई रैली नहीं की है। आपको बता दें कि आतंकी बुरहान वानी की मौत के बाद कश्मीर में भड़की हिंसा में अब तक 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग घायल हैं। बीएसएफ ने 1991 से लेकर 2004 तक कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान चलाया था। हालांकि जम्मू कश्मीर के कई इलाकों से कर्फ्यू हटा लिया गया है और हालात में सुधार को देखते हुए लोगों को आवाजाही की इजाजत दी जा रही है। जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोगों के मन में बीएसएफ के लिए एक आक्रामक और क्रूर बल की छवि है, तो वहीं दूसरी ओर अलगाववादियों ने घाटी में अपने विरोध प्रदर्शन को बढ़ा दिया है। ऐसे में देखना बाकी है कि घाटी में फैली हिंसा को शांति में तब्दील करने में बीएसएफ के जवान कितनी जल्दी कामयाब हो पाते हैं। देखते रहिए डीबी लाइव।